थैंक्स फॉर कमिंग इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर खान, कहाँ है वो? बस वो अभी इधर ही थी, वन मिनट। क्या हुआ, चली गई क्या? नहीं इंस्पेक्टर, मैं पूरा घर पे था, आई एम श्योर वो जा नहीं सकती थी, कहीं छुप गई होगी। मिस्टर खान, जिस लड़की को आप इतना ढूंढ रहे हैं, आखिर वो है कौन? इंस्पेक्टर, उसका नाम तनवीर है, मैं एक्चुअली उसे बचपन से जानता हूं। मैंने उसे बहुत बार वार्न किया, लेकिन तब भी वक्त पे वक्त कभी भी घर पे चली आती है। आपको उसे स्ट्रिक्टली वार्न करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे मानेगी नहीं। संभालिए अपने आप को। प्रमिला, आप घबराइए मत, अब आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात, आपने तो कहा था कि आपने इन्हें कई बार वार्निंग दी थी, पर यह नहीं बताया था कि इतनी बेरहमी से पीटा है। आपने एक लड़की पे हाथ उठाया और वो भी ऐसे? इंस्पेक्टर, आप मेरी बात, आई एम सॉरी मिस्टर खान, अब आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहिएगा। चलिए, ट्रैफिक भी कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे तो ऐसे लेक्चर्स देते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। खुद की हरकतें देखो जरा, हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। मिस्टर मेहता, इस वक्त मैं आपको और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, प्लीज जल्दी से लॉयर को लेकर यहाँ पर आ जाइए। श्योर सर। और प्लीज ख्याल रखिएगा कि ये बात किसी को पता ना चले, अम्मी को पता चलेगी तो खामखा परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू। इंस्पेक्टर, मैं एक और कॉल कर सकता हूँ प्लीज? सिर्फ एक ही फोन करने की इजाजत होती है मिस्टर खान। वर्मा, यस मोबाइल ले लो इनका। डीजे मोबाइल। फोन करके बताती हूँ।
अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? घर पे भी कोई नहीं उठा रहा, मिस्टर खान उठा रहे हैं, पिक आउट ऑफ रीच। ऑफिस में करती हूँ। हेलो दिलशाद कंस्ट्रक्शंस। या हेलो, मैं जोया बोल रही हूँ। मिस्टर खान फोन नहीं उठा रहे हैं, कहाँ है वो? एक्चुअली मैम, सर अभी मीटिंग में है। मीटिंग में है सर? अभी मेरी बात करवाइए जरा। सॉरी मैम, सर इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते। सॉरी मैम। हेलो हेलो, या अल्लाह, मीटिंग। मिस्टर त्रिपाठी, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी मिस्टर मेहता, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारे पेपर बड़े संभाल कर बनवाऊंगा। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस सर, इनफैक्ट अभी उनके लिए मिस जोया का फोन आया था, मैंने बोल दिया है कि सर मीटिंग में है, अब जब भी फोन आएगा मैं यही कहूंगी। ओके चलिए। ऐसा कहते हैं कि यह हर कहानी के आखिर में सब कुछ सही हो जाता है, और देखना हमारा इंशाल्लाह हमारे हमारे बीच भी सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जानता हूं कि पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे हैं आपके लिए, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आज रात ही सबको बता दूंगा कि जोया वापस अपने घर जा चुकी है, और फिर दो चार दिनों में वकील साहब भी तलाक के कागजात तैयार कर देंगे, और फिर उसके बाद हम दोनों जल्द से जल्द निकाह कर लेंगे। सच? सच। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूं। मेरा वैसे बहुत देर हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि अब हमारे निकाह में फिर से कोई देर हो, या कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाए। इस बार हमारे बीच में कोई नहीं आएगा हमेरा, कभी नहीं। जोया, अरे क्या हुआ जोया, क्या बात है, तुम यहां वापस कैसे आई? जोया प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग, बात क्या है? और भाईजान तुम्हें चौक से पिकअप करने वाले थे, क्या हुआ, भाईजान कहां है? जोया कुछ तो बताओ। जोया प्लीज, रोना बंद करो जोया, प्लीज जोया काम डाउन। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो।
जोया। अच्छा स्टॉप क्राइंग, मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? भाईजान तुम्हें पिकअप करने आने वाले थे। भाईजान एक हुआ क्या, बताओ तो सही। भाईजान का फोन आ रहा है, लो बात। सुया व्हाट वाज दिस? अपनी मीटिंग से फुर्सत मिल गई तो उन्हें मेरी याद आ गई। बात नहीं करूंगी मैं मिस्टर खान से। मोहन सुया देखो लगता है भाईजान मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं एक बार। फोन मत उठाना उनका प्लीज। काम डाउन, काम डाउन। बात करके देखता हूं क्या बात। हेलो जी भाईजान, मिस फारूकी कहां है? जी हाँ भाईजान वो यहीं है, लेकिन वो चौक पे आपका इंतजार करके घर वापस आ गई। आप कहां थे, क्यों नहीं गए आप इसको पिकअप करने? मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा, तो मैंने फोन दो। भाईजान सब खैरियत है ना? मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा। ठीक है भाईजान, एक मिनट लीजिए बात करें। ये लोग बात करना चाहते हैं। He wants to talk to you, बात कर लो एक बार उनसे। बहुत परेशान लग रहे हैं जोया। मैंने कहा था ना मुझे बात नहीं करनी। तुमने वहां घंटों खड़े होकर उनका वेट नहीं किया ना, इसलिए तुम एक बार उनकी बात सुन तो लो, हो सकता है वो कुछ कहना चाहते हो। उनकी साइड मत लो तुम, समझे? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं जोया। जोया तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी बात समझनी पड़ेगी। हमेशा मैं ही समझू? तुम और तुम्हारे भाईजान कुछ मत समझना। वो चाहे तो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ मेरा निकाह करवा दे, वो चाहे तो मुझे यहां छोड़ जाए, मुझे लेके भी ना जाए, वो चाहे तो मैं उनका वेट करती रहूं और वो अपनी मीटिंग से अटेंड करें, और इस सब के बावजूद भी मैं रिएक्ट ना करूं, गुस्सा भी ना दिखाऊं। सोया कम ऑन, तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। तुम बुजुर्गों की तरह बिहेव कर लो, तुम ही सुनो उनकी बातें। अच्छा ये बताओ तुम पूरी जिंदगी यहीं रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। फिर मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी। एक मिनट सुनो मेरी बात। मानो या ना मानो लेकिन तुम भाईजान के पास वापस जाना चाहती हो, और भाईजान भी तुम्हें यहां से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ काम आ गया हो, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी हो उन्हें तुमसे। तुम नाराज हो उनसे तो तुम उनकी बात नहीं मानोगी? हाँ मैं नाराज हूं और मैं गुस्सा भी हूं, और मेरी नाराजगी मेरा गुस्सा जेन्युइन है जायज। कितनी देर मैंने बेवकूफों की तरह खड़े होकर उनकी वेट किया, अब जब तक मिस्टर खान मुझसे माफी मांग के मुझे यहां से लेकर नहीं जाएंगे ना, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी, समझे? और तुम तो एक बार कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं कहीं और नहीं जा सकती इसलिए तुम्हारे घर पे आती हूँ, तो लेट मी टेल यू, मैं चाहो तो अभी इसी वक्त न्यूयॉर्क में अपने आप ही के पास जा सकती हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ सिर्फ इसलिए
क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिस्टर खान आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे, मुझे लेके जाएंगे, समझे? मोना, मोना मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, और आएगी भी नहीं। तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि जिसके बिना एक पल गुजारना मुश्किल हो, उसके बिना इतने दिन गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैं मिस्टर खान को कितना मिस करती हूं। अम्मी, अयान, आपके अब्बू आ गए हैं, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। मैं आप लोगों को बुलाने आई थी। जी। तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैं मिस्टर खान को कितना मिस करती हूं। हलवा बहुत बढ़िया है। आज नुजरत आई थी ना, तो अम्मी ने उसके हाथों यह हलवा भिजवाया था। अच्छा, कैसी नुजरत और घर पर कैसे है सब? सब ठीक है। वैसे नुजरत बता रही थी कि उस तरफ बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, कितना अजीब है ना ये मौसम, एक ही शहर में एक जगह इतनी बरसात हो रही थी और दूसरी जगह एक बूंद भी नहीं गिरी। होता है, बिन मौसम बरसात ऐसी होता है। मैंने बहुत खा लिया, ये लो। थैंक यू। फरान, क्या कल रात आप बारिश में भीगने गए थे? नहीं, वो आपके कपड़े इतने भीगे हुए थे कि मुझे लगा आप, क्या आप कहीं बाहर गए थे? यू वोंट बिलीव कल रात को क्या हुआ। मैं कल बाथरूम में गया और मैंने नींद में गलती से शावर ऑन कर लिया, इसलिए भीग गया होगा। अरे, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कल मैं रात को बाहर था? अरे, तुम्हारे सो जाने के बाद मैं भी सो गया था। हाँ। कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए फरहान मुझसे इस कदर झूठ बोल रहे हैं? मैंने खुद ने उनके गीले कपड़े और मिट्टी से भरे जूते देखे हैं। आखिर वो रात को जाते कहाँ हैं? आओ बैठो, बैठो बैठो बैठो। देखो, तुमने अपने घर का बनाया हुआ हलवा मुझे खिलाया, अब मैं तुम्हें अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वाला फालूदा खिलाता हूं। See, I don't know about you, but this is my favorite. चलो, ये लो, पी के बताओ कैसा है? लो, पियो। अच्छा है। अच्छा, तुमने कभी रोज फ्लेवर वाला फालूदा खाया? नहीं। अरे फिर क्या खाया तुमने? एक मिनट रुक ना, मैं लेकर आता हूं। रुकिए। रोज सिर्फ मैं ले आती हूँ।